Hey everyone, this is me, Sadia here. I'm आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट. टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो या नहीं, तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो. इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून. और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. सो लेट्स सी कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना. लेट्स फाइंड आउट. थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, The High Priestess, underneath the deck, we do have two of wands. The answer is a big no. आप अपने life partner से अभी तक नहीं मिले हो. Majority लोगों के लिए मुझे लगता है कि that person is yet to enter in your life. हो सकता है कि आपकी life में कोई person हो जो कि you know जो आप desire रखते हो कि काश ये person आपका life partner बन जाए. लेकिन situation has been like kind of off. अगर स्पेशली वो लोग जो राइट नाउ काफ़ी टाइम से एक स्पेसिफिक समवन के साथ हैं और आपको लगता है कि यही आपका पर्सन है, तो मुझे लगता है कि शायद आप उस इंसान के साथ एक कार्मिक साइकिल में हो. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देर इज़ अ बैगेज, कार्मिक बैगेज जो इस इंसान के साथ आप लेकर चल रहे हो. जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपका लाइफ पार्टनर बनना है, दैट पर्सन इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ. वो अभी आना है आपकी ज़िंदगी में और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग शायद अब इस चीज़ को सेंस कर पा रहे हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग वेट. शायद अब आपको लगने लगा है कि शायद कुछ कुछ और पॉसिबिलिटी होगी. ये पर्सन आपका पर्सन जो जिससे आप करंटली डील कर रहे हो या फिर जिसके बारे में सोच रहे हो कि शायद ये आपका लाइफ पार्टनर हो, मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ी रियलाइजेशन हो रही है कि दिस इज़ नॉट द वन. सो मुझे लगता है कि जो भी करंटली आपके पर्सन है आपके माइंड में या आपके थॉट में जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन के साथ आपका जो सिचुएशन है ये आपको हेल्प करेगा टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू. सो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक ट्विन फ्लेम के जैसे भी हो सकता है, जहाँ पर इस इंसान के साथ आपकी जो जर्नी है वो ट्विन फ्लेम जर्नी रहे और उसके बाद ये जर्नी ख़त्म हो और फिर आपकी सोलमेट जर्नी विद अ सोलमेट आपका स्टार्ट हो. सो मेजॉरिटी लोगों के लिए जिस पर्सन के साथ आप करंटली हो या जिसके बारे में सोच रहे हो, दिस पर्सन इज़ नॉट द वन जिससे आपकी शादी होगी. लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं. क्विक रीडिंग रखूंगी इसको, ज़्यादा हम कार्ड्स पुल आउट नहीं करेंगे. लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं. आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप से आप बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न करोगे, बहुत ज़्यादा मच्योर हो जाओगे इस कनेक्शन से लर्न करते हुए. जो आपके जहन में राइट नाउ पर्सन है उसके साथ जो भी आपका कनेक्शन है, दिस इज़ गोइंग टू मेक यू लर्न अ लॉट. सो लेट्स सी कि अल्फाबेट्स क्या हैं आपके पर्सन के या जिस पर्सन से आपकी शादी होगी उससे. एक्स बी A Y O S V. तो ये नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके पर्सन के जिससे आपकी शादी हो. लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर. पास्ट का बैगेज, एडिक्शन, उसको छोड़ना पड़ेगा तब जाके ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा. मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ चेंज, लेकिन जो चेंज आप वेट कर रहे हो वो आपको इस इंसान के साथ नहीं मिलेगा, वो आपको किसी और नए इंसान के साथ मिलेगा और उस इंसान के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ब्राइट हैपनिंग होगा फ्रॉम डे वन. उस इंसान के साथ आपकी शादी होगी और इट्स नॉट गोना बी लाइक समथिंग जो कि ऑन एंड ऑफ चलेगा. ये बहुत स्मूथली पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा. इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रहेगी डिवाइन की और आपका रिलेशनशिप स्मूथली आगे बढ़ता चला जाएगा उस इंसान के साथ जिसके साथ यू आर मेंट टू बी हो. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ हार्ट्स. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ की सिनारियों में हो. कभी आप इस इंसान से बात करते हो, कभी यू नो जो भी करंटली आपका पर्सन हो सकता है. मुझे लगता है कि आप अपने आप को रॉन्ग इंसान के साथ रखे हुए हो. आपकी एक्सपेक्टेशन इस इंसान के साथ या एडिक्शन आपकी इस इंसान को लेकर ख़त्म नहीं हुई, जिसकी वजह से शायद आप अपने लाइफ पार्टनर से अभी तक मिल नहीं पाए हो. कहीं ना कहीं अगर आपका दिल करता भी है कि आप मूव ऑन करो, स्टिल आप अपने आप को थोड़ा समझाते हो या बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो उस इंसान को और फिर आप इस इंसान के पास आ जाते हो. सो कहीं ना कहीं आपका लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग और उस डिसीजन के ऊपर स्टिक करना आपके लिए रास्ते का रुकावट जो है वो बन रहा है. अगर आप अपने एडिक्शन इस इंसान को लेकर छोड़ सको तो आप अपने लाइफ पार्टनर से बहुत जल्द मिलोगे. मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अभी इसको टाइम लगेगा क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर स्टिल ऑन द लर्निंग फेज. तो जिस इंसान से आपकी शादी होनी है वो इंसान
आपकी जिंदगी में तब आएगा जब आप इस डिसीजन से निकल कर डिसीजन लेकर इस कनेक्शन से निकल सकोगे जो कि राइट नाउ आपके माइंड में है, तब आपकी जिंदगी में वो इंसान आएगा जो कि आपको बहुत प्यार करता होगा। लेट्स सी कि गिवन सिनेरियो में आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। दीज थ्री कार्ड्स वांट्स टू कम अप। सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन, सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट, डांस एंड प्ले, एन इनविटेशन कुड बी ऑन द वे। मेजोरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन आपको किसी गैदरिंग में मिल सकता है जिसके बारे में हम बात करें, जिससे आपकी शादी होनी है, जो आपका लाइफ पार्टनर बनना है। डिवाइन रियली वॉन्ट कि आप अपने आप को किसी भी नेगेटिव थाट प्रोसेस में अगर आप हो या आप वेट कर रहे हो और बुरा फील कर रहे हो, स्टैग्नेशन फील कर रहे हो, अपने आप को सबसे निकालो। इट्स टाइम कि आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। यू नो, जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, जो आने वाला है उसको आप हैप्पीली इंजॉय कर सकते हो अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को फिक्स कर लो, अपने फोकस को फिक्स कर लो, अपने नेगेटिव माइंडसेट से टाटा बाय बाय करते हुए पॉजिटिव माइंडसेट से उसको रिप्लेस करो। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आप अपने अंदर रियलाइजेशन लेकर आओ टुवर्ड्स द करंट सिनेरियो। अगर आप बहुत टाइम से स्पेशली स्पेसिफिक समवन को वेट करते हुए, टाइम देते हुए थक चुके हो, इट्स टाइम कि आप रियलाइज कर जाओ कि इट्स टाइम कि आपके लिए मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। इट्स टाइम कि आप अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस की तरफ वापस आओ। दैट्स वट यू क्रेव फॉर राइट नाउ। आप में से मेजोरिटी लोग ऐसे होंगे जो कि लव, प्यार, कंपेनियनशिप के लिए क्रेव कर रहे हैं, लेकिन वो भी विद द रॉन्ग पर्सन। आप चाहते हो कि वो रॉन्ग पर्सन राइट हो जाए, कहीं से वो नहीं होगा। सो इट्स टाइम कि आप अपने आप को समझाओ और अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ो। द नेक्स्ट कार्ड इज मैजिकल गेटवे। इट टेक्स करेज टू वेंचर इन टू द अननोन। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद इसलिए स्टक हैं इस रॉन्ग पर्सन के साथ या रॉन्ग पर्सन में, क्योंकि आपको लगता है कि यू डोंट हैव द करेज, यू डोंट हैव द टाइम कि आप फिर से सब में पढ़ो जहाँ पर यू गेट टू नो अ पर्सन इन दिस एंड दैट। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चलो यू नो दिस इज समबडी दैट यू नो, तो आप कहीं ना कहीं फिर इस इंसान के पीछे आ जा के पड़ जाते हो। इट्स टाइम के यू नो यू 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 नो अगर आपको लगता है कि शायद अब आपको कौन मिलेगा, या इस तरह के थॉट प्रोसेस हैं जो कि आपको रोकते हैं इस इंसान के साथ रहने पे, जो कि जिसके साथ आप हो, तो मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि आप अपने आप को समझाओ कि यू नो बहुत यू नो देर आर मैनी ऑप्शन आउट देयर, ये लास्ट पर्सन नहीं है दुनिया का, और कोशिश करो कि यू गेट ओवर दिस पर्सन एंड मूव ऑन। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। पीछे देखने की जरूरत नहीं है। आप में से कुछ लोग स्टक हैं विद अ रॉन्ग पर्सन और बार बार एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हो सेम पर्सन से, जो कि आपको हर दफा हर्ट करता है या डिसअपॉइंट करता है। इट्स टाइम कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। लास्ट कार्ड है विश वाइजली, यूज योर विशेज वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। पहली चीज मैं यहाँ पे इस कार्ड के साथ एक मैंशन करूंगी आपको कि आप में से कुछ लोग बहुत मैडली क्रेजीली चाहते हैं कि आपकी शादी स्पेसिफिक समवन के साथ हो जाए जो कि आप डिज़ायर रख रहे हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसमें आपकी खुशी नहीं होगी। सो अगेन थिंक मैनी टाइम्स बिफोर कि आप इस चीज़ को विश करो, स्पेशली अगर आपको पर्सन हमेशा फॉर ग्रांटेड लेता है, आपको चूज़ नहीं करता, फैमिली को, दूसरे लोगों को चूज़ करता है आपके ऊपर। डोंट विश फॉर दिस पर्सन। आपके लिए इससे बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होगा अगर आप रियलाइज करो अपनी वर्थ। सो कोशिश करो कि आप अपनी मैनिफेस्ट करो वो डिज़ायर जो आप चाहते हो, बजाय इसके कि सेटल इन फॉर लेस करते हुए शिट को मैनिफेस्ट करो, जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग शायद करना चाह रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि शायद आपके लिए ना तो स्टैंड लेता है, ना ही आपको प्रायोरिटाइज करता है, ना ही आपको रिस्पेक्ट देता है, ना ही आपके साथ कंपेनियनशिप रखता है। अगर ऐसा है तो कोशिश करो कि यू वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन और प्रैक्टिकल स्टेप्स लो उस चीज़ की तरफ जो आप डिज़ायर करते हो, और विश करो वाइजली कि आपको अपने लाइफ पार्टनर में क्या चाहिए, किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, और क्या ये पर्सन जिसके लिए आप वेट कर रहे हो या समझते हो कि ये आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, क्या ऐसा उसमें कुछ है जो आपको लगता है कि ये आपका लाइफ पार्टनर की जो आपके ड्रीम्स हैं उसको पूरा करता है या उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है या नहीं। आप में से काफ़ी सारे लोग एडिक्टेड हैं टू द स्ट्रांग पर्सन और सिचुएशन जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द अननोन। अगर आपको पता चल जाए कि आगे बहुत अच्छा कुछ आपके लिए लिखा है आपके रब ने, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे इस इंसान के साथ। सो या ये थ्री रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई रिटर्न नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।